नमस्कार। जैसे हम बात कर चुके हैं कि हम आज कक्षा 8 का परिमेय संख्या जो टॉपिक है फर्स्ट उसको पढ़ेंगे, तो परिमेय संख्या की सामान्य जानकारी इस प्रकार देते हैं कि कोई संख्या जिसे पी बटा क्यू की फॉर्म में या रूप में लिखें तो उसे परिमेय संख्या हम कहते हैं, पुस्तकों में जो परिभाषा दी गई है। उदाहरण के लिए 5/4, 7/9 ये परिमेय संख्या के उदाहरण हैं। एक चीज़ हमें यहाँ ध्यान देनी पड़ेगी कि p by q में q का मान शून्य नहीं हो सकता। अगर हम q का मान शून्य लेते हैं तो 3/0 ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या को जीरो लोगों में या जीरो में जीरो से उसे विभाजित नहीं कर सकते, तो ये एक तरह से अनिर्धार्य रूप है। परिमेय संख्या केवल p/q के रूप में होगी और इसके अंदर -7/3, -4/7 इस तरह से ऋणात्मक संख्या भी आ सकती है। अब अगर हम देखें कि ये जो बटे में या p/q की फॉर्म आई कहाँ से है ना, इसके लिए हम समझते हैं बीजगणित को जरा सा लेकर कि बीजगणित की जो समीकरण होती है, जैसे समीकरण ले लिए हमने 3x+7=12। यहाँ से हमें अगर x का मान ज्ञात करना है तो 3x=12 - 7, 3x=12 - 7 गए तो बचा 5, x का मान आया 5/3। तो ये इस तरह से हमें बटे में जो संख्या प्राप्त होती है इनका नाम दे दिया गया है परिमेय संख्या। अब हम परिमेय संख्या के गुणधर्म के अंतर्गत पहला गुणधर्म संवृत गुणधर्म का अध्ययन करेंगे। इस गुणधर्म में क्या होता है, बहुत सरल है। अगर हम कोई भी दो संख्याएं लेते हैं, दो परिमेय संख्याएं लेते हैं, जैसे 2/3 और 1/3। अब हम इस संवृत गुणधर्म को योग के लिए देखेंगे। यदि इन दोनों संख्याओं को योग करने पर, दो परिमेय संख्याएं, इन दोनों परिमेय संख्याओं का योग करने पर प्राप्त संख्या अगर परिमेय है तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या योग के अंतर्गत संवृत गुणधर्म का पालन करती है, मतलब ये संवृत गुणधर्म लागू होता है परिमेय संख्या पर, है ना, योग के अधीन। अभी योग की बात कर रहे हैं, तो देखिए आप 2/3 और 1/3 को जोड़ो तो 3 और 3 का लघुत्तम तो आ गया 3, तो ऊपर वाली संख्या इस तरह से हो जाएगी 3। 3/3 तो ये हो गया 1। अब ये 1 आया तो 1 भी परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि सर इसके नीचे तो कोई भी संख्या नहीं है, तो इसका भी अपन यहाँ पर निवारण करते हैं। जैसे मैंने 5 लिख दिया, 6 लिख दिया, 7 लिख दिया, 1, 2, 3 कुछ भी लिख देते हैं, अगर मैं उनके नीचे हर की जगह 1, 1 लगा देता हूँ तो इनका कोई मान परिवर्तन नहीं होता है। तो हम जो संख्या 5 थी इसको p/q की फॉर्म के लिए, p/q के रूप के लिए इसके नीचे 5/1 लगा देते हैं तो भी ये परिमेय संख्या है ना। तो इस तरह से हमने परिमेय संख्या गुणधर्म के अंतर्गत संवृत गुणधर्म, है ना, संवृत गुणधर्म का अध्ययन किया। वो अभी केवल योग के लिए, दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर यानी योग करने पर अगर हमें परिमेय संख्या प्राप्त होती है तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या योग के अधीन संवृत गुणधर्म का पालन करती है।